हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल राजवीर ऑल इन वन। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एकता कपूर जी, आप सारे लोग जानते होंगे उनको, थोड़ा सा मुझे जवाब देना है। तुम लोगों को पता है मैं कभी किसी सोशल मुद्दे पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़रूरत है बनाने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा इंसान हूँ कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, हमको क्या लेना, हमारा रोटी पानी ठीक चल रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा हो गया है ना, ये हो गया सोल्जर्स के ऊपर बात आ गई है, और आर्मी के जो हमारे जवान हैं उनके ऊपर बात आ गई है, जो हमारे देश की आन बान शान है, हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। अब तुम कहोगे, अब आधों को लगेगा भाई आर्मी से तेरा क्या मतलब। तो यार, मैं बेटा हूँ आर्मी फैमिली का, मेरे नाना जी आर्मी में थे, मेरे तीन मामा हैं, सगे मामा, एक एयरफोर्स में थे, एक नेवी में और एक आर्मी में, और सबसे बड़े मामा का जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी आज आर्मी में है। मेरे फूफा जी आर्मी में थे, रिटायर्ड हैं, आज पुलिस में। तो इतने सारे लोगों का स्ट्रगल मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है बचपन से, तो वही कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका शायद इन एकता कपूर जी को आइडिया भी नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता, इनकी एक सीरीज़ आई है ऑल्ट बालाजी करके, एक ऐप है इनकी, उसके ऊपर सीरीज़ इन्होंने चलाई हुई हैं, जिनके अंदर की मतलब सॉफ्ट पॉर्न परोसी जा रही है बच्चों को। क्या है ना कि बचपन में हमें बहुत चूतिया बनाया इन्होंने, कसौटी ज़िंदगी की, डैड बासु, मिस्टर बासु, मिस्टर बजाज, कभी मर जाता है, कभी जिंदा हो जाता है। तो वो टाइम पे, उस टाइम पे बहुत चले सीरियल्स, मम्मियों के साथ हम भी देख लेते थे। लेकिन अभी क्या है, उनका क्रेज़ चला गया, तो अब इन्होंने पकड़ लिया है कि जो भारत का जो युवा है, जो यूथ है, उसको चाहिए ये चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया है, सॉफ्ट पॉर्न्स निकालनी शुरू कर दी हैं सीरीज़ के नाम पे। उसके अंदर नंग धड़ंग आपको मूवीज़ देखने मिल जाएंगी, क्लिप्स देखने मिल जाएंगी, 15 मिनट की, आधे घंटे की, पार्ट वन पार्ट टू करके, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रागिनी, MMS, XXX। अब XXX किसी सीरीज़ का कौन नाम रखता है। तो इन्होंने क्या किया है, ये सीरीज़ उठा के डाल दी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो युवा है, जो यूथ है, आधा तो गांजा फूक के नशे में पड़ा हुआ है, दूसरा आपकी ये बनाई हुई सॉफ्ट पॉर्न्स देख के दूसरी ही दुनिया में है। अब फिर आप कहते हो कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, ये 16-17-18 साल के जो बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है, इनको जो चीज़ दिखाई जाएगी वो इनके दिमाग में घूमती है और उसी चीज़ को ये एक्शंस में बदल देते हैं। फिर आप लोग कहते हो रेप हो गए, आप खुद न्योता दे रहे हो इन चीज़ों को, ये चीज़ें यूथ को दिखा के। आपका क्या है, आप तो पैसे वाले लोग हो, आप भाग जाओगे दूसरे देश में और इंडिया को दे दोगे गाली की, इंडिया में ये सब बहुत होता है, रेप बहुत होते हैं, क्राइम बहुत होते हैं, दैट्स वाई हमने इंडिया को छोड़ दिया, हम अमेरिका आगे सेटल हो गए या कैनेडा आगे सेटल हो गए या कहीं भी सेटल हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ का जो मिडिल क्लास आदमी है उसको तो पूरे देश की बदनामी झेलनी पड़ेगी ना। अब इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने ये दिखाया कि देश का एक फौजी है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, उसकी बीवी को सबसे पहले कैरेक्टरलेस दिखा दिया है कि उसकी जो बीवी है उसकी पीठ पीछे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है, चलो समझ में आता है सीन की डिमांड होगी, ये दिखा दिया। उसके बाद जो इन्होंने दिखाया वो ये दिखाया है कि उस बंदे को, मतलब जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस सोल्जर की बीवी का किसी डॉक्टर के साथ, उस डॉक्टर को वो आर्मी की अपने हस्बैंड की वर्दी पहना रही है, उस वर्दी की आप स्क्रीन पर देखो इस तरह से बेइज्जती की गई है कि कोई भी इंसान जो आर्मी या मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करता है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सारे लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने इनका स्ट्रगल देखा है, आपको मैम मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो दिल होता है ना आर्मी वाले लोगों का, अच्छे अच्छे इंसान की पटके हाथ में आ जाती है, जहाँ वो खड़े होकर पहरा देते हैं अपने देश को बचाने के लिए, और उससे दुगना जिगरा जो होता है ना वो आर्मी वालों की बीवियों का होता है, उन लेडीज़ का होता है जिनको पता होता है वो किसी भी दिन विधवा हो सकती हैं, स्टिल वो उस करेज के साथ उस सोल्जर की फैमिली को संभालती हैं, उनके बच्चे हर दिन स्ट्रगल करते हैं। मेरे मामा के जो बच्चे थे, जब हमारे बर्थडेज होते थे तो हमारे फादर मदर साथ होते थे हमारे, लेकिन जब उनके बर्थडेज होते थे उन दिनों में मामा जी साथ नहीं होते थे तो बच्चे रोते थे हर बर्थडे पे, केक काटते टाइम कि मेरे पापा का है। हम उस छोटे छोटे बच्चों को कौन समझाए, और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो हर दिन स्ट्रगल झेल रहे हैं अपने फादर के दूर होने की वजह से। मामी मेरी थोड़ी कम एजुकेटेड थी, तो बच्चे जब स्कूल जाते थे, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, वहाँ मामी जा नहीं पाती थी और मामा कहाँ से आए मिलिट्री से छुट्टी लेके, तो मेरे फादर को जाना पड़ता था। तो क्लास के बच्चे चढ़ाते थे, तेरे मम्मी पापा नहीं है क्या, फादर तेरे शहीद हो गए क्या। अब बच्चों को थोड़ा ना इतनी समझ होती किस तरह का मजाक करना है, पापा तेरे शहीद हो गए क्या बॉर्डर पर, जो तेरे फूफाजी आते हैं, मेरे फादर उनके फूफाजी लगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को, यूथ को, सारे लोगों को, इन जैसी लेडीज़ को जो ये चीज़ें बना रही हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी वालों के बच्चे, आर्मी वालों की बीवियाँ, आर्मी वालों की फैमिली और खुद आर्मी वाले हर दिन स्ट्रगल करते हैं ताकि हम चैन की नींद ले सकें, चैन की सांस ले सकें। हमारी कोई औकात नहीं है
कि हम यहाँ देश में अपने सुरक्षित रह पाएँ अगर वो लोग बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ाई ना करें, और उनको पता चले कि पीछे से जिनको वो सेफ कर रहे हैं वो दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि उनकी बीवियाँ उनकी पेट पीछे कैसे गुलछर्रे उड़ा रही हैं। आपको आइडिया भी नहीं है कि उनकी बीवियाँ कितना कुछ स्ट्रगल करती हैं लाइफ में, कितना कुछ झेलती हैं बच्चों को पालने के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या क्या करती हैं वो, जिनको आपने एक मिनट में कैरेक्टरलेस दिखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा दिया। जो सोल्जर्स का जो जिगरा होता है ना, उसका 1% भी जिगरा आपका अगर आपके अंदर होना, इतनी ठंड वाली जगह में जहाँ आपकी बात नहीं है आप 10 मिनट भी खड़े हो पाओ, वहाँ वो 24-24 घंटे खड़े होकर पहरा देते हैं हमारे देश के लिए। और देश में क्या चल रहा है, देश में आप जैसी औरतें ये वेब सीरीज़ बना रही हैं ताकि लोग देखें, और सोल्जर्स की जब सोल्जर्स निकले ना तो उनके ऊपर हंसा जाए। अभी अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि एक सोल्जर बाहर है और उसकी बीवी पीठ पीछे ये कर रही है, तो हम किसी भी सोल्जर को देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि साले, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि साले तू बॉर्डर पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, तेरी बीवी पीठ पीछे क्या कर रही है। तो आपने एक सिंबल दे दिया पूरे यूथ को, तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है। हिंदुस्तानी भाव ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो देख के मुझे पता लगा, क्योंकि मैं तो अपने फिटनेस चैनल में बिजी रहता हूँ, मेरे को न्यूज़ भी लेट मिलती है ना, मैं टीवी देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, तो वो वीडियो देखा मैंने, तो हिंदुस्तानी भाव ने कहा कि हमारी क्या औकात है, हमारी हम आम आदमी हम क्या करें। तो सर हिंदुस्तानी भाव, हम जैसे लोग, हम जैसा देश का यूथ आपके साथ है, आप आवाज़ बिल्कुल उठाओ, बिल्कुल आवाज़ नहीं दबेगी, ट्रेंडिंग में डालो इस चीज़ को कि इनका ये जो वेब सीरीज़ है ये बंद होनी चाहिए। और ज़रूरी थोड़ी है कि ये गंदी आप परोसोगे, ये चौदम पट्टी परोसी जाएगी तभी आपकी वेब सीरीज़ चलेगी। महाभारत है, रामायण है, सारी दुनिया ने देखी अभी फिर से। मैं जब छोटा था तो मैं कभी नहीं देखता था, लेकिन अभी मैंने देखी है, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं महाभारत और रामायण में। महाभारत और रामायण ने यूट्यूब के ऊपर इतने सारे रीसेंट व्यूज़ हैं उसके ऊपर। अच्छी चीज़ें भी चलती हैं अगर आप ट्राई करेंगे, लेकिन आपने एक सीधी सी मेंटालिटी बनाई हुई है कि इंडिया के यूथ को बर्बाद करने की जिम्मेदारी है। आधा यूथ तो पड़ा हुआ है शराब के नशे में, गांजे के नशे में, आधा यूथ पड़ा हुआ है पोर्नोग्राफी में, ये सब देख के उनकी अलग ही दुनिया चल रही होती है। उनको हर एक लड़की उसी हवस वाली नज़रों से दिखाई देती है जो आप वेब सीरीज़ में सीन्स दिखाते हो ना, उनके दिमाग में वही सीन्स चल रहे होते हैं हर लड़की को देख के। तो ये आप भूख बढ़ा रहे हो लोगों के अंदर, ये जो क्राइम होने की जो टेंडेंसी है ना, जो रेट है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें घूमें और यही चीज़ वो लोग करें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसी चीज़ें ना करें। और मैं सारे यूथ को बोलना चाहता हूँ, गाइज सोल्जर्स की बीवी, सोल्जर्स के बच्चे, जैसे सोल्जर्स का जिम्मेदारी है देश, वो हमारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे देश के लिए वहाँ खड़े होकर अपनी जान पे खेलकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं ना, हमको एक जिम्मेदारी समझते हैं। तो उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर कोई ऐसी बात ना आए, उनके ऊपर कोई आँच ना आए। अगर आपके आस पड़ोस में, आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में कोई भी सोल्जर्स के बच्चे हैं तो उनको इज्जत दो, उनकी बीवियाँ हैं तो उनको इज्जत दो। ये बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ के ये सब चीज़ें दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, एक दिल और मेरा बहुत दुखा हुआ है कि मैंने अभी एक न्यूज़ देखी है, केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी थी, मतलब एलिफेंट थी, फीमेल एलिफेंट, उसको भूख लगी तो वो जंगल से किसी गाँव में गई, गाँव में गई खाना मांगने कि उसको लगा कि कोई मेरी हेल्प करेगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, एटलीस्ट मेरी कोई हेल्प करेगा। तो किसी जाहिल ने, मतलब ये जो हम भोग रहे हैं ना, 2-2.5 महीने से हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, ये जो हमने पाप किए हैं ना, इंसान ने जो पाप किए हैं, ये उसको हम भुगत रहे हैं। और यही सब अगर चलता रहा ना तो बहुत दूर नहीं है कयामत, बहुत दूर नहीं है कयामत की, पूरी दुनिया ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो किसी ने क्या किया, उस बेचारी हथनी को अनानास के अंदर पटाखों का मसाला डाल के उस हथनी को खिला दिया, और उस हथनी ने जब वो खाया तो उसके मुँह में वो फट गया। आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, उसके मुंह में पूरा जल गया। देन उसके बाद वो एक छोटे से तालाब में जाके खड़ी रही 2-2.5 घंटे। जब मुंह जला हुआ है तो इंसान पानी में ही जाएगा ना, वहाँ जाके कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई। तो गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप जानवरों को प्यार नहीं करते ना, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को जानवरों से कोई खास लगाव नहीं है। मैं यहाँ बैठ के बोल दूँगी मुझे बहुत खास लगाव है, मुझसे उनका दर्द नहीं देखा जाता, लेकिन मैंने कभी लाइफ में किसी जानवर को दुख नहीं दिया। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो ना कि आपको जानवरों से प्यार नहीं है, एटलीस्ट उनको चोट मत पहुंचाओ, उनको दुख मत पहुंचाओ। बेजुबान जानवर हैं, बोल नहीं सकते, उनका पेन आप एटलीस्ट फील कर सकते हो, तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो उनको दुख भी मत पहुंचाओ। ये सुन के ना हर इंसान को इतना हर्ट हुआ कि कोई इंसान किसी जानवर को कैसे ऐसी चीज़ दे सकता है कि उससे उसकी डेथ हो जाए।
उसकी तो डेथ हुई ही हुई, उसके पेट में जो बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई। इतना ज़्यादा पैथेटिक, इंसानियत के नाम पे कलंक हैं ऐसे लोग। तो भाई सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानवरों को प्यार नहीं करते तो एटलीस्ट उनको दर्द ना पहुँचाएं, दुख ना पहुँचाएं। और इन मैडम की ये जो वेब सीरीज़ है इनके अंदर खास इंटरेस्ट ना लें, ना देखें। ऐसे लोगों को ऐसे ही मारना चाहिए, इन्होंने मेहनत करके ये बनाई होगी, इनको नहीं देखेंगे फ्लॉप होगी, तो आगे से नहीं भी बनाएंगी। इनको कल आ जानी चाहिए कि सोल्जर्स के ऊपर जो इन्होंने मजाक बनाया है, सोल्जर्स की जो वर्दी का मजाक बनाया है उसके अंदर कितनी पावर है। आप ये चीज़ करोगी तो नहीं चलने वाले, आपका सारा नुकसान हो जाएगा। तो गाइज यही थे मेरे व्यूज़। आई हैव सीन अ लॉट कि मेरे मामा के बच्चों ने, मेरे फूफा जी के बच्चों ने कैसे कैसे देखा है, मेरी बुआ ने उनको कैसे पाला है, मेरी मामियों ने अपने बच्चों को कैसे पाला है बिना फादर के। मतलब फादर ना होना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी के फादर नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन होते हुए दूर हैं तो फादर के लिए भी और बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, ये बहुत दर्द वाली बात है जिसका कि सरेआम ऐसे मजाक बनाया जा रहा है। तो गाइज मेरे तो यही पॉइंट ऑफ व्यू थे। और हिंदुस्तानी भाऊ आप खुद को अकेला ना समझें, मेरे जैसे सारे लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितना भी यूथ है, सब आपके साथ हैं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। जानवरों को प्लीज़ दर्द ना पहुँचाएँ, चोट ना पहुँचाएँ। ये जो हम झेल रहे हैं ना, इसी वजह से झेल रहे हैं, और दूसरा चांस नहीं मिलने वाला हमें अगर हम इंसानियत के नाम पर ऐसी कलंक बनते रहे तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।